नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर लेटर हाफ थोड़ा ज्यादा बेहतर दिख रहा है फर्स्ट हाफ के मुकाबले, क्योंकि फर्स्ट हाफ बाजार में पूरी तरह से एक रेंज और 8200 के नीचे था, लेकिन सेकंड हाफ मार्केट थोड़ा सा कंफर्ट अपने आपको दे रहा है और 8220 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो नो डाउट आज मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी क्लोजिंग समझी जाएगी। 24 घंटे के अंदर ही हम रिकवर कर जाएंगे, 8200 के लेवल को ले आएंगे। अभी तक जो 4-5 पॉइंट जिस पे अब तक बाजार चला या फिर बाजार अब तक जो है वो नोटिस कर लेते हैं, मार्केट्स में आज निचले स्तरों से वापस कुछ हद तक रिकवरी आती हुई दिखी है। हालांकि अगर रेंज आप मार्केट के देखेंगे तो बहुत ही सीमित दायरे का आज ही ट्रेड होते हुए दिखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी में आज की क्लोजिंग हमको कम से कम 8220 के ऊपर चाहिए। टेक्निकल एनालिस्ट आपको बताएंगे क्यों 8200 की या फिर 8200 के ऊपर की क्लोजिंग मायने रखती है। तीसरी, 8000 और 8300 की पुट सबसे ज़्यादा एक्टिव है। पैसा बनाने के लिए अगर आप कोई कॉल और पुट ढूंढ रहे हैं तो इन दोनों कॉल पुट्स में ट्रेड करें तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा फार्मा और ऑटो सेक्टर्स में आज कुछ तेज़ी है। मेटल में हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। आज छोटे और मझोले शेयर्स भी काफ़ी अच्छे से बढ़त दिखाते हुए दिखे, और सरकारी बैंक के साथ साथ टाटा ग्रुप के शेयर में तीसरा ऐसा दिन है जब तेज़ी है और अगला हफ्ता पूरा AGM से भरा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट आज इसी पर नज़र रहेगी कि आज जो पहली और इनफैक्ट सबसे बड़ी सबसे प्रेस्टीजियस EGM है वो है TCS की, जो कि आज 3:30 बजे शुरू होगी और प्रस्ताव है साइरस मिस्त्री को बोर्ड से हटाने को लेकर। इसमें पहली जीत किसे हासिल होती है ये काफ़ी मायने रखेगा, और आज वॉलेटाइल रहा है TCS इसके चलते, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट अ फोरगॉन कंक्लूजन और 2197 पर TCS इस समय करीब 0.5% नीचे ट्रेड करते हुए। मार्केट के लिए जो इससे बड़ी चीज़ है वो एक्चुअली जो FM ने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने, वो है कि नोटबंदी के चलते टैक्स की दरें भी घट सकती हैं और आगे चल के आम आदमी को इनफैक्ट रिलीफ के कई कदम सरकार उठाने वाली है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर बाज़ार भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा आगे चल के। राजेश सतपुते हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अच्छी ब्रेथ है मार्केट में इस समय, स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, 8200 के ऊपर क्लोजिंग देने की तैयारी कर सकता है बाजार? यस मेयर, मुझे लगता है कि आप मार्केट में जितना नेगेटिव है वो डाइजेस्ट हो रहा है, इवन मुझे लगता है फेड में जो इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही है वो भी डाइजेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। आप देखिए IT स्टॉक्स भी यहाँ पे हल्का हल्का पुल बैक ले रहे हैं। सो मुझे लगता है कि इतना बेरिश मैं हूँ नहीं, मुझे लगता है कि 8140-8150 के ऊपर अगर निफ्टी खुद को मेनटेन कर पाएगा तो डेफिनेटली ये 8300-8320 तक एक बार टेस्ट करेगा। इनफैक्ट अभी फिलहाल के लिए 8210 का एक शॉर्ट रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है 8210 के ऊपर क्लोज मिलेगा आज तो डेफिनेटली एक फॉलोअप रैली आप कल परसों में देखेंगे। इस बीच आज टाटा ग्रुप के शेयर्स के अंदर भी काफ़ी तेज मोमेंटम है। आज टाटा मोटर्स में आज सुबह एक ब्लॉक डील भी हुई है करीब 5 करोड़ शेयर्स की, और जो रेस था वो 475 था। एक क्लाइंट के लिए एक बड़े हाउस ने एक ब्लॉक डील की थी टाटा ग्रुप पे। आपका टाटा मोटर्स पे इनफैक्ट राजेश, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? आज सुबह एकदम से स्लाइड तो आया था जब ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद ये धीरे धीरे खिसक के अब 4% ऊपर आ चुका है, क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि टाटा मोटर या टाटा मोटर DVR दोनों इन पर्टिकुलर यहाँ पे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में, और इनफैक्ट मुझे याद है लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी कि वी आर एक्सपेक्टिंग ए टेक्निकल पुल बैक। टाटा मोटर का जो पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो रफली था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वॉज 500-520। तो मुझे लगता है अभी भी देर इज एन अपसाइड लेफ्ट। इनफैक्ट सुबह में गैप अप हुआ था और गैप अप के कारण मुझे लगता है उसमें एक प्रॉफिट टेकिंग इमीजिएटली आ चुकी है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं पकड़ के रखे, उन्होंने डेफिनेटली उसमें अगर मुझे सुबह सुबह 20-30 रुपये मिलता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक कॉल लेता हूँ। लेकिन पोजिशनल बेस पे मुझे लगता है कि अभी भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है, आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए 465 के आसपास या 460 ऑन टू बी मोर प्रिसाइज, और अपसाइड में जो रेजिस्टेंस बनेगा एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है 492 का, अगर वो भी निकाल दे तो 520 तक आ सकता है। टाटा मोटर DVR मुझे ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है टाटा मोटर DVR का बेस फॉर्मेशन हुआ है और अभी भी एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक पुलबैक की मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन में रखता हूँ। मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट रहेगा DVR का वो 322 का रहेगा और इसका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 290 का करना पड़ेगा। चंदन तपाड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। चंदन शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। देखिए एक तो मार्केट में ये जो रिकवरी है स्पेशली आफ्टर व्हाट FM स्टेटेड, उससे डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट मार्केट को मिला भी है अबाउट द टैक्सेस टैक्स रेट्स। सेकेंड,
बैंक्स में रिकवरी देखने को मिली है कुछ एक बैंक्स में। आपका व्यू क्या है निफ्टी बैंक पर इस समय? जी नमस्कार मीर, देखें बैंक निफ्टी अभी भी एक मेजर दायरे में ट्रेड कर रहा है। पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन से देखें 18,150 से लेकर 18,700 के बीच में कामकाज कर रहा है, तो कोई एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा तभी यहाँ पे पॉजिटिव। अदरवाइज हमारा मानना है कि कुछ दिन और शायद रेंज बाउंड मूवमेंट बन सकता है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखें कि बाजार जो तीन दिन चार दिन पहले जब आरबीआई रेट कट नहीं हुआ था उसके बावजूद भी 18,150 को लेवल को तोड़ के वापस उसके ऊपर क्लोज दिया, तो कहीं ना कहीं 18,150 18,200 के आसपास बाजार में बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है और उसके चलते मेरा मानना है कोई भी छोटी मोटी डिक्लाइन आए 18,150 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। तो फिलहाल बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी, बट अग्रेसिव तभी रहेगा जब बैंक निफ्टी 18,700 का लेवल निकाल दे। इस बीच एक दो शेयर्स पे आप मेरे को टेक्निकल व्यू दिए मिस्टर राजेश, ये बायोट्रॉनिक्स पे क्या करना चाहिए? दूसरा दिन है जिसमें सर्किट लगा हुआ है, एक बार प्रॉफिट बुक कर ले क्योंकि सेल के सौदे तो लग जाएंगे, बाय नहीं होगा। बायोट्रॉनिक्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है डेफिनेटली, लेकिन एक बात कहूँ डिम्पी यहाँ पे कि बायोट्रॉनिक्स में जो वो जो मोमेंटम था वो ऑलरेडी लॉस्ट है, दिस इज अ डेड कैट बाउंस और मे बी यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं उसमें एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि रफली 10-12 रुपये की स्क्रिप्ट थी, 24 का प्राइस है, इट्स बेटर वन शुड टेक प्रॉफिट होम। ठीक है, एक रोल्टा का चार्ट और देखिए, पिछले दो दिन में ये शेयर करीब 25% ऊपर आ चुका है, एनएफ प्रॉफिट है जिन्होंने ट्रेड पोजिशनल ट्रेड लिया होगा या फिर अभी थोड़ा और रुकना चाहिए रोल्टा पे? देखिए मुझे लगता है रोल्टा में थोड़ा रुकना चाहिए, इनफैक्ट रोल्टा में जो पुलबैक है वो एज फार एज द परसेंटेज टर्म में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पे वीकली चार्ट देखो तो मुझे लगता है कि अभी भी देर इज अ चांस कि यहाँ पे एक पुलबैक एक्सटेंड हो सकता है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रफली 84-85 का टारगेट इसमें आना चाहिए। और डिम्पी और एक चीज़ है कि जनरली हमने देखा दिसंबर में, हालांकि FOMC की मीट है लेकिन दिसंबर महीना मुझे लगता है एक सबड्यूड महीना रहेगा और इसमें पॉसिबिलिटी की जो मिड कैप काउंटर्स है उसमें फ्लेयर रहेगा और उसमें ज़्यादा ट्रैक्शन रहेगा, तो मुझे लगता है अगर मिड कैप में पकड़ना है तो रोल्टा इज वन ऑफ द काउंटर के जहां पे और एक पुल बैक आ सकता है और एक रैली आ सकती है। एक्चुअली इस देखिए इस मार्केट में वैसे भी जो चंदन कह रहे थे निफ्टी बैंक को लेकर वो इनफैक्ट निफ्टी पर भी लागू होता है कि ये दायरे के बाहर जब तक नहीं निकलेगा, अब आप उसी दायरे में कितना खेल लेंगे खेल के इंडेक्स पे, इट मेक्स मोर सेंस कि आप स्टॉक्स पे खेलिए। बिल्कुल, आज चंदन स्टॉक स्पेसिफिक आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी आखिरी घंटे के लिए? देखिए बिल्कुल सही कहा कि बाजार एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और निफ्टी में आप तभी ट्रेड कर सकते हो जब एक डिक्लाइन आए और डिक्लाइन के बाद टर्न होना स्टार्ट हो जाए और अगेन वापस अपसाइड लिमिटेड होते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर में 8300 की कॉल में राइटिंग हुई है, तो स्टॉक स्पेस में एक्शन यहाँ पे क्लियरली बना रहेगा। मेरा मानना है कि सिलेक्टिव ऑटो और ऑटो एंड सर्विस काउंटर यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली यहाँ पे मैं यदि TVS मोटर्स की बात करूँ तो TVS मोटर देखें यहाँ पे सपोर्ट्स कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और आज के दिन भी यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखा है, 14% के आसपास के लॉन्ग बिल्टअप है, तो इस काउंटर मेरे को लग रहा है कि 388 और 392 तक के लेवल बन सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी और यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए 372 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरा काउंटर खरीदारी के लिए यहाँ पे भारत फोर्ज एक रडार पर रहेगा, एक काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है और यदि इस चार्ट को देखें तो कहीं भी नहीं लग रहा कि मार्केट रेंज बाउंड है, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, इमीडिएट जो इसके हर्डल थे 920 उसको निकाल दिया है और अब 1030-1035 के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, तो TVS मोटर और भारत फोर्ज दो काउंटर्स है जहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बना और मेरा मानना है कि ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, भारत फोर्ज वैसे भी कई दिनों से चल रहा था, डेरिवेटिव आउटलुक इसका ठीक है, इस पर नजर रखें। TVS मोटर आज एकाएक चला है तो 3% की बढ़त यहाँ पे भी है। अब आप डेरिवेटिव के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो ये रेंज पूरी तरह से बनती हुई दिख रही है और आप निफ्टी का लेवल देखिए, आपको 8200 के ऊपर तो दिख रहा है लेकिन निफ्टी के फ्यूचर्स में जो ताज़ा खरीदारी हुई है वो क्वांटम थोड़ा कम है, बिल्डअप थोड़ा कम है, सिर्फ 4% का ही ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, ये आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए दिख रहा होगा। और आप बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, प्रीमियम कम है, आप जो नीचे देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का डाटा उसमें सिर्फ 42-50 अंकों की बढ़त है, तो रेंज में तो निफ्टी फिलहाल रहेगा। हाँ, लेकिन क्लोजिंग हमको मिल जाए शायद 2-3 दिन 8200 के ऊपर रहें थोड़ा कन्विक्शन आ सकती है। एक ऑप्शन भी देख लीजिए, एक तो 8000 की पुट है जिसमें फ्रेश शॉर्टिंग वापस होना शुरू हो गया, हमने आप सुबह भी ये बात की थी कि आज हम 8200 के जैसे ऊपर आएंगे ये पुट शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, अभी शॉर्ट होना शुरू हो गई है, इसका प्रीमियम 19% तक घटा है। अब आते हैं 8300 की कॉल पे, यहाँ पे ताज़ा खरीदारी होती दिख रही है लेकिन ये शायद उतनी तेज़ नहीं है, थोड़ा सा 8220 की एक बार क्लोजिंग मिल जाए उसके बाद 8300 की कॉल में आपको प्ले करने के लिए भी मिल जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का मार्केट का समय डेरिवेटिव डाटा। चलिए इस बीच हमारे साथ सीधे तरुण शर्मा इस समय मौजूद हैं, आज TCS की EGM होने जा रही है, 3:30 EGM शुरू होगी और जो प्रस्ताव है वो है साइरस मिस्त्री को हटाने को लेकर।
TCS के बोर्ड से भी। तरुण यू नो ये इसे पहली कड़ी कहा जा सकता है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज TCS इज़ ऑब्वियसली द ज्वेल इन द क्राउन पूरे टाटा ग्रुप के लिए, और इसमें से हटना मतलब मिस्टर मिस्त्री ने ही हैज़ बीन फाइटिंग टूथ एंड नेल, हालांकि इस समय यह लगता है ऑब्वियसली दैट ही इज़ फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, लेकिन आज है EGM, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर? बिल्कुल, एजेंडा तो साफ है कि साइरस मिस्त्री को बोर्ड से निकालना है या टाटा TCS के बोर्ड से, ये उनका एजेंडा है। लेकिन जो दिलचस्प है वो ये देखना है कि LIC किस तरीके से वोट करता है, क्योंकि 7% की हिस्सेदारी है और आगे की जो कंपनीज़ में EGM होनी है, जो कि आप भी बता रहे थे कि इंडियन होटल और टाटा मोटर्स में, वहाँ पर जहाँ टाटा की ग्रुप की हिस्सेदारी कम है और वहाँ पे दिलचस्प होगा कि क्योंकि इन सब के वोट जो फिनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स और LIC, इनके वोट काफ़ी मैटर करेंगे। तो इस वजह से आज का जो स्टांस होगा वो ये आगे की रणनीति जरूर तैयार करेगा साइरस मिस्त्री के लिए और टाटा ग्रुप के लिए। जिस तरह से हमने कल रात को भी देखा कि टाटा मोटर्स के आज 1.73% की हिस्सेदारी कौन खरीद रहा है ये पता नहीं है, हो सकता है कि टाटा सन्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो या साइरस मिस्त्री अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, मॉर्गन स्टैनली एक बल्क डील यहाँ पे करने जा रहा है। तो लिहाजा ये काफ़ी दिलचस्प है आज ये देखना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किस तरीके से वोट करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स आज साइरस मिस्त्री की बातों पर क्या रुख अपनाते हैं, वो ये दोनों चीज़ों पर सभी की आज नज़र होगी और इसी पर पूरा ध्यान आज पूरी EGM पर रहेगा। तरुण, ये क्योंकि TCS में ही सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर नहीं होंगे बल्कि अगले 10 दिन फिर से EGM ही चलती रहेंगी, ये सभी में रिटेल इन्वेस्टर का रुख इम्पोर्टेंट होगा या सिर्फ TCS को लेके ज़्यादा है? बिल्कुल, देखिए रिटेल इन्वेस्टर जरूर बाकी कंपनियों में भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, शेयर होल्डिंग टाटा सन्स की काफ़ी ज़्यादा है, 77% के आसपास की शेयर होल्डिंग है, तो इस वजह से डिसीजन जो है वो क्लियर है। लेकिन जो अपनी स्पीच में साइरस मिस्त्री यहाँ पे क्या कहते हैं और उस स्पीच का क्या रिस्पॉन्स रिटेल निवेशकों की तरफ से आता है, वो एक देखना होगा कि उनका कॉन्फिडेंस वो कितना बिल्टअप कर पाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा इस EGM। बिल्कुल, चलिए इस बीच हमारे साथ अनिल सिंघवी भी जुड़े हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अनिल, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सो टुडे इज़ द डी डे एंड दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से यू नो दे हैव वॉश्ड लॉट ऑफ लिनन इन पब्लिक, आज क्या होता देख रहे हैं आप? आपने सही कहा है, बहुत दोनों पक्षों की तरफ से काम हुआ है, आज इम्पोर्टेंट है, पर आज का दिन एक्चुअली आउटकम तो नोन है बिकॉज टाटा सन्स की डायरेक्ट होल्डिंग इतनी ज्यादा है कि उनको निकालने में कोई मुश्किलें नहीं आएगी। पर हाँ, ये बात जरूर है कि साइरस अपने पक्ष में क्या बात करते हैं, शेयर होल्डर्स का क्या मूड रहता है, और अगर LIC करे तो मुझे लगता नहीं कि आज LIC कोई भी तरह से वोट करेंगी बिकॉज देन देयर हैंड्स विल बी नोन। तो मेरे ख्याल से LIC शायद आज अपस्ट्रीम कर जाए क्योंकि उनके करने और ना करने से कोई उसका नतीजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो LIC शायद आज मेरे ख्याल से अपस्ट्रीम रहेंगी उसके हिसाब से। पर एक आज से एक नैरेटिव बनना चालू होगा कि साइरस को क्यों निकाला गया, उनका क्या सत्य है इसके बारे में, और टाटा सन्स का क्या कहना है कि उन्होंने उसको क्यों निकाला है टाटा सन से और चेयरमैनशिप से बाकी सब कंपनियों में। तो मेरा एक ही मुद्दा रहेगा कि अभी तक टाटा सन्स ने उनको टाटा सन्स के बोर्ड से नहीं निकाला है, तो वो किस हिसाब से कॉमन शेयर होल्डर से, स्मॉल शेयर होल्डर से ये अपेक्षा करते हैं कि वो उनके प्रस्ताव पर अपना वोट दें, जबकि वो उनके खुद के अपने घर से कलों के भी नहीं निकाला, तो वो किस हिसाब से आम शेयर होल्डर से ये मांग कर रहे हैं कि वो उनको उनके कंपनी से निकालें। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे लिए, देखने की बात क्या है कि वो किस हिसाब से अपने आप को कंडक्ट करते हैं। आज अनिल, आप रहेंगे EGM में, जाएंगे आप? हाँ, आज के बात तो नहीं करेंगे, पर हाँ बैठ के देखेंगे तो सही क्या क्या हो रहा है। अनिल, एक और चीज बताइए, ये जो TCS का बोर्ड से उनको हटाया जाएगा जितना आसान दिख रहा है, ये क्या सभी कंपनीज में उतना आसान है? इंडियन होटल्स की भी EGM होने वाली है, टाटा स्टील की भी EGM होगी आगे चल के, टाटा मोटर्स की भी होगी? नहीं, ये उतना आसान तो नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा है आपके शो के ऊपर कि मेरे ख्याल से एक या दो विन साइरस की भी होंगी
और मुझे तो एक इस चीज की बड़ा अचंभा लग रहा है कि उन्होंने टाटा ग्लोबल की वो ईजीएम नहीं बुलाई है। मैं काफी वक्त से उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि उसमें टाटा सन्स की होल्डिंग काफी कम है, डायरेक्ट होल्डिंग टाटा केमिकल की होल्डिंग है, तो मुझे लग रहा था कि वो उसकी भी वो ईजीएम बुलाएं और देखें क्या होता है। तो ये भी उन्होंने टाटा सन्स ने भी पिक एंड चूज किया है, जहाँ पहले सबसे पहले टीसीएस के चालू इसलिए किया कि उनकी शेयर होल्डिंग ज्यादा है। तो ये काफी हद तक उन्होंने काम किया है कि जो जो एक माहौल बने उनके फेवर में वो काम होना चाहिए, जो आसान काम है वो कर लिया। पर ये मुझे एक टाटा सन्स की जो एक गरिमा है, टाटा सन्स की जो एक प्रेस्टीज है, उसका काफी हद तक उसके ऊपर धक्का लगा है जिस चीजों से काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने जो टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही इलॉजिकल एलोकेशन ऑफ कैपिटल है। तो आज के दिन पर टाटा सन्स की जो एक ख्याति बनी थी हर एक के दिमाग में, कॉमन शेयरहोल्डर्स के दिमाग में, वो आज काफी हद तक खत्म हो चुकी। मैं इनफैक्ट अनिल, दिस वॉज माई नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने जो अपने जवाब के शुरुआत में कहा था कि द कंक्लूजन इज ऑलमोस्ट फोरगॉन बिकॉज टाटा सन्स की होल्डिंग ज़्यादा है, बट दिस विक्टरी विल कम एट व्हाट कॉस्ट? यू नो द कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेंचमार्क इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन रेफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ टाटाज। आज हो सकता है जीत हासिल हो जाए उन्हें, ग्रुप की जो सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, उसमें से वे शायद साइरस मिस्त्री को हटा भी देंगे, बट एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन प्रेस्टीज, देयर ओन इमेज, देयर ओन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ये किस हद तक सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हद तक सही है, क्योंकि अभी तक आज ऑलमोस्ट अब 2 महीने होने आए हैं, अभी तक उन्होंने कोई बहुत ठोस सबूत नहीं दिए हैं कि साइरस मिस्त्री के रहने से, टाटा सन्स के चेयरमैन और इन कंपनियों पे रहने से क्या फर्क पड़ता था। सच ये कह रहे कि वो टाटा सन्स के इथोस पे और उस पर नहीं, आज टाटा सन्स का खुद का इथोस क्या रह गया? जब आज आप खुद टाटा मोटर्स के शेयर खरीदो, 2500 करोड़ रुपए उस पर खर्चा करो, उसके ऊपर 18% की शेयर होल्डिंग साइरस की खुद की है टाटा सन्स के ऊपर, उसी के पैसे से आप उसी को निकालो, तो कहाँ टाटा सन्स का जो भी एक मॉरल कंपास था वो कहाँ रह गया? बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब ये कहे कि साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के मॉरल कंपास से काफी अलग हट चुके थे, बहुत ही मेरे ख्याल से मूर्खता वाला काम होगा, क्योंकि टाटा सन्स का खुद का मॉरल कंपास खत्म हो चुका है। तो अब वो किसको दोषी ठहराया इसके लिए, ये तो बेतुकी बात होगी। बिल्कुल सर, सरकार से तो कोई सहारा मिला नहीं, गवर्नमेंट ने अपने हाथ खींच रखे हैं, लेकिन सरकार का एक पक्ष आ गया। आज सुब्रमण्यम स्वामी ने सुबह बोला कि वेस्टलैंड, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कहीं ना कहीं टाटा के कनेक्शन भी हैं। ये कितना मामला आपको गंभीर लगता है? नहीं, ये तो अभी थोड़ी बहुत रोटियां तो सभी सेक रहे हैं, वो तो ठीक है, उसका कोई बड़ा काम नहीं है। इनफैक्ट अनिल, माय क्वेश्चन इज अबाउट LIC। नहीं, LIC का देखिए, LIC का आज तक LIC ज्यादा करके अब्सटेन रहा है। LIC ने बहुत प्रोएक्टिवली कहीं पे भी काम नहीं किया, और वो बहुत ही मेरे हिसाब से तो वो बहुत दुखद चीज है कि LIC आज तक अब्सटेन रहा है और कोई भी व्यू नहीं लिया है। LIC को व्यू लेना पड़ेगा, और LIC का व्यू होना चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। LIC इस व्यू को नहीं ले सकेगा कि हम प्रोमोटर को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साइरस भी प्रमोटर हैं। अब LIC कांट डिसाइड कि टाटा सन्स प्रमोटर है पर साइरस प्रमोटर नहीं है, कैसे नहीं है साइरस प्रमोटर? तो साइरस भी प्रमोटर हैं। तो वो एक LIC के लिए आज के दिन पे मेरे हिसाब से, अगर आज LIC कोई काम से मुझे लगता नहीं करेंगे, पर कोई हिसाब से अगर आज वो वोट करते हैं, अब उनका पैटर्न क्या होता है, वो आज मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा अगर LIC आज वोटिंग करता है तो। बिल्कुल अनिल, इट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन हम मीटिंग के बाद आपसे फिर से संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज आपके व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।